टाटा इंडिगो CS है, उसके हीटर टाइमर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, ग्लो प्लग टाइमर हीटर टाइमर की। तो जान देखें, इसमें टोटल 7 वायर होती है, 2 जाड़ी होती है और 5 ये कपलर में होती है। तो ये जो वायर है कपलर के अंदर, इसके बारे में जान लीजिए। ये जो ब्राउन कलर की वायर है ये अर्थिंग है, 12 वोल्ट इसमें कंटिन्यू माइनस आएंगी अर्थिंग। और ये जो उसके बाजू में है बगल में, तो उससे थोड़ी पतली है, इसका कलर ब्राउन पे हरे कलर का पट्टी है। ये जो वायर है ये अपना मीटर में जो लाइट लगता है ग्लो प्लग का उसकी है। ये जो थोड़ा ऊपर है ये तीसरी वायर, ये अपना टेम्परेचर सेंसर की, वाइट पे नीला पटा टेम्परेचर सेंसर। जो बीच में वाली वायर है सेंटर की, ब्लैक पे वाइट पटा दिख रही होंगी जो जूम करता है, ये अपना स्टार्टिंग की है। जैसे अपन सेल्फ लगाते तो इसके अंदर करंट आता है, जैसे अपन सेल्फ छोड़ते तो इसके अंदर करंट गायब हो जाता है, सिग्नल वायर है। ये जो वायर है ये इग्निशन की है, जैसे अपन चाबी ऑन करते तो हीटर टाइमर ऑन होने के लिए इसमें 12 वोल्ट आती इग्निशन की, और ये कंटिन्यू चालू रहता जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जो दो वायर है इसके अंदर, एक छोटी सी रिले लगी होती है उसकी वायर है। ये जो वायर है रेड कलर की, इसमें कंटिन्यू 12 वोल्ट आनी चाहिए सप्लाई। ये फ्यूज़ बॉक्स के थ्रू आती, एक फ्यूज़ लगा होता है इधर साइड में, इसमें कंटिन्यूस 12 वोल्ट आनी चाहिए। जैसे अपन इग्निशन देते इसमें जैसे 12 वोल्ट आएंगी इग्निशन के थ्रू, जैसे सिग्नल वायर में भी सब का सिग्नल आएंगे, तो इसमें ये जो वायर है पीले कलर की, ये सीधा हीटर टाइमर ऑन हो जाएगा और उसमें 15-20 सेकंड के लिए, जब तक गाड़ी को हीटर चाहिए तब तक के करंट आएगा 15-20 सेकंड के लिए, 12 वोल्ट इसमें का इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, तो देख सकते ये जो पीले कलर की वायर है ये सीधे अपने हीटर में रहती, 1 2 3 4 ये सीधे हीटर में आएंगी, सिर्फ 15-20 सेकंड के लिए होता है इसमें करंट। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कुछ भी डाउट होगा तो। ओके, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।